का जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा का मान, मतलब ऊर्जा घनत्व। अपन लोग जानते हैं जब भी किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश चालक की सतह पर ठहरता है, चालक के अंदर कुल आवेश का मान जीरो होता है और चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र का मान भी कितना होता है? जीरो। चालक की सतह के पास, सतह के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। और पिछले लेक्चर वीडियो के अंदर, जस्ट इससे पहले जो मैंने लेक्चर वीडियो आप लोगों को बताया था, उसमें चालक की सतह पर लगने वाले विद्युत दाब का फॉर्मूला अपन लोगों ने ज्ञात किया था और ये भी अपन लोगों ने पता लगाया था कि उस विद्युत दाब की जो डायरेक्शन है वो चालक की सतह पर बाहर की ओर होती है, मतलब इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इसी दिशा में इस सतह पर दाब लगता है, विद्युत दाब दोनों सेम डायरेक्शन में लगते हैं। और उस विद्युत दाब का जो फॉर्मूला अपन लोगों ने ज्ञात किया था वो होता है पी बराबर एक बटा दो एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये विद्युत दाब का फॉर्मूला था। किसी चालक को जब अपन लोग आवेश देते हैं तो उन आवेशों में आपस में प्रतिकर्षण के कारण चालक की सतह पर एक प्रतिकर्षण बल काम करता है और उस बल की दिशा बाहर की ओर, जिसके कारण उस चालक की सतह पर एक विद्युत दाब लगता है, उस दाब की दिशा भी बाहर की ओर ही होती है। और उस दाब का फॉर्मूला अपन लोगों ने ज्ञात किया था एक बटा दो एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ इस फॉर्मूले से अपन लोग यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं ये जो विद्युत दाब है जिसको अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, स्थिर विद्युत दाब भी कहते हैं, ठीक है। इस विद्युत दाब का जो मान है वो विद्युत क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती आ रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आप लोगों को समझनी है और वो क्या कि आप लोग चालक को जिस प्रकार से आवे, अब यदि इस चालक को, ये जो चालक गोला है, इस चालक गोले को मैं और आवेश दूं, ठीक है, तो मेरे को पहले से मौजूद ये जो आवेश है इस आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बल लगा करके मेरे को कार्य करना पड़ेगा। तो यदि मैं आवेश की मात्रा बढ़ाता हूं तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान बढ़ता है, ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बढ़ेगा तो इस चालक की सतह के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा और यदि विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो अपने को पता है कि विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, स्थिर विद्युत दाब। तो विद्युत क्षेत्र के बढ़ने से इस दाब का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर यदि मैं इस चालक गोले को प्रत्यास्थ मानूं, इलास्टिक मानूं, तो इस कंडीशन में आप लोग यदि इसको आवेश दोगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण बाहर की ओर लगने वाला प्रेशर बढ़ेगा। और यदि इस चालक को प्रत्यास्थ माना जाए तो इस प्रेशर के कारण इस चालक गोले के आयतन में वॉल्यूम में वृद्धि होगी, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम में वृद्धि होगी। मान लेते हैं कि आवेश देने के कारण जो विद्युत क्षेत्र बढ़ा है, उस विद्युत क्षेत्र के बढ़ने के कारण जो चालक की सतह पर बाहर की ओर लगने वाला जो दाब बढ़ा है, उस दाब के कारण इस चालक गोले के आयतन में इतनी वृद्धि हो गई। ये मान लेते हैं कि ये चालक का आयतन बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि आवेश देने से विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि हुई और अपन ने यह माना कि चालक का आयतन भी बढ़ गया। तो चालक का आयतन इतना ज्यादा चालक के आयतन में वृद्धि हुई, माना ये आयतन डीवी और ये कितना आगे फैल गया, तो माना इसकी रेडियस में डीआर वृद्धि होगी, पहली त्रिज्या इसकी आर थी। और आवेश देने से, विद्युत क्षेत्र बढ़ने से, प्रेशर विद्युत दाब बढ़ने से चालक के आयतन में वृद्धि हुई, जिससे इसकी त्रिज्या आर से आर प्लस डीआर हो गई, ओके। तो इस दौरान अपन लोग इस चालक को आवेश देने के लिए पहले से मौजूद आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बल लगा करके कार्य कर रहे हैं। तो अपन लोगों के द्वारा इस आयतन को बढ़ाने में, विद्युत क्षेत्र को बढ़ाने में, विद्युत दाब को बढ़ाने में, या ऐसे कह सकते हैं सतह पर आवेश की मात्रा बढ़ाने में अपन लोग जो कार्य कर रहे हैं,
जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य इस विद्युत क्षेत्र में, इस आयतन में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अपने उस कार्य का मान निकालना, वो कार्य कितना होगा, तो कार्य बराबर आप लोग अच्छी तरह से जानते हो बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। मैंने थोड़ा सा गोले का आयतन मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, कैसे बढ़ाया, बार बार कह रहा हूं गोले का आयतन विद्युत दाब के कारण बढ़ा, ये विद्युत दाब इस गोले की सतह को बाहर की ओर खींच रहा है, ठीक है। और विद्युत दाब क्यों बढ़ा, क्योंकि विद्युत दाब बढ़ा विद्युत क्षेत्र के कारण बढ़ा, और विद्युत क्षेत्र किसके कारण बढ़ा, पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण बढ़ा, और पृष्ठ आवेश घनत्व किसके कारण बढ़ा, विद्युत आवेश के कारण बढ़ा। तो इसका मतलब आप लोग जो आवेश देने में जो कार्य कर रहे हो वही कार्य इस गोले के आयतन को बढ़ाने में काम में आ रहा है, और वही कार्य इस बढ़े हुए आयतन के लिए मतलब इस विद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा का काम करेगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, अतः किया गया कार्य भी थोड़ा सा ही होगा dW। बल मैंने लगाया F और मैंने इतना थोड़ा सा विस्थापन किया, ओके। अब बल का सूत्र क्या होता है, तो बल का सूत्र होता है दाब गुणा क्षेत्रफल, अच्छी तरह से जानते हो बल का सूत्र, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बराबर हो गया दाब गुणा क्षेत्रफल। तो dW बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल और गुणा ये विस्थापन। अब अपन ये भी जानते हैं कि क्षेत्रफल गुणा डिस्प्लेसमेंट ये आयतन को बताता है, मीटर स्क्वायर गुणा मीटर मतलब मीटर क्यूब आयतन, और ये कौन सा आयतन है, गोले के आयतन में हुई वृद्धि, या ऐसे बोल सकते हो विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि, क्योंकि बेटा आप लोग यहाँ आवेश दे रहे हो तो आवेश देने से विद्युत क्षेत्र का आयतन, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा नहीं बढ़ा, तो बस उस विद्युत क्षेत्र के आयतन को बढ़ाने में आप लोग जो कार्य करोगे वही विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया आयतन में वृद्धि, तो dW बराबर दाब और गुणा आयतन। अब इस गोले की सतह पर कितना दाब काम कर रहा था, तो अपन लोगों को पता है दाब का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, होता है नहीं होता, तो इस दाब की जगह अपन लोग ये मान रख देंगे, तो देखना dW बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर और dV आ गया। ये क्या आ गया, इस गोले के आयतन में अल्पवृद्धि करने में किया गया कार्य, या ऐसे बोल सकते हो आप लोग कि इस गोले के बाहर के विद्युत क्षेत्र, बाहर का जो विद्युत क्षेत्र है उसके आयतन में वृद्धि करने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र को बढ़ाने में किया गया अल्प कार्य। यदि पूरा निकालना हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसका समाकलन कर सकते हो, लेकिन अपने से टोटल कार्य नहीं पूछा जा रहा, अपन लोगों से तो पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में कितनी एनर्जी होती है, और मैंने कहा ये जो किया गया कार्य है ये विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा कहलाती है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं dU बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर और dV। तो विद्युत क्षेत्र के आयतन में dV वृद्धि, विद्युत क्षेत्र का आयतन इतना सा बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, dU, और वो एनर्जी विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र में इकट्ठी हो गई, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, स्थिर विद्युत ऊर्जा, ठीक है। और अपने को तो एकांक आयतन में चाहिए, तो dV आयतन में ऊर्जा का मान है dU, अतः एकांक आयतन में ऊर्जा का मान कितना होगा, तो मैं इस आयतन का भाग दे दूंगा इधर, तो क्या आएगा dU अपॉन dV और बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ये आ गया इस विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा का मान। इसको दर्शाते हैं स्मॉल यू से, और इसी को अपन लोग कहते हैं ऊर्जा घनत्व, इसी को क्या कहते हैं अपन लोग ऊर्जा घनत्व, और स्मॉल यू से दर्शाते इसको, और बराबर इसका फॉर्मूला हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ये है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा का मान। इस अच्छा इस फॉर्मूले को अपन लोग है ना सिग्मा के पदों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दाब ही तो है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में जो ऊर्जा है वही विद्युत दाब है,
क्योंकि ये पी के बराबर ही चल रहा है ये वाला मान, इस पी का मान ही है ठीक है, इसका मतलब ऊर्जा का नत्तु दाब है। अब इसको मैं सिग्मा के पदों में कैसे लिख सकता हूं, तो इस प्रकार से यू बराबर एक बटा दो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दाब का एक सूत्र तो ये था और दाब का दूसरा सूत्र ये है, और ये जो दाब है यही ऊर्जा घनत्व को प्रदर्शित कर रहा है ठीक है। तो ये आपका छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है, दोबारा से एक बार इसको रिवाइज कर रहा हूं, देखना बेटा। टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा मतलब ऊर्जा घनत्व। आपके पास एक चालक है, चालक को आवेश देते हो, वो आवेश सतह पे ठहरता है ठीक है, और यदि अब उस चालक को और आवेश देते हो तो अपने को उस सतह पर मौजूद पहले से जो आवेश है उसके द्वारा जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपने को बल लगा करके कार्य करना पड़ेगा ठीक है। वो किया गया कार्य उस विद्युत क्षेत्र के आयतन में जो वृद्धि हो रही है उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और आवेश के कारण इस चालक की सतह पर बाहर की ओर दाब लगता है, विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर होता है, तो जैसे जैसे आवेश बढ़ाऊंगा वैसे वैसे बाहर की ओर का विद्युत दाब बढ़ेगा, और यदि मैं चालक को प्रत्यास्त मान के चलूं, प्रत्यास्त जानते हो ना, जिसको खींचो तो बढ़ जाए, छोड़ो तो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो यदि मैं इसको प्रत्यास्त मान के चलूं तो इस बाहर की ओर लगने वाले विद्युत दाब के कारण इस गोले का आयतन बढ़ेगा। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं और यह ऐसे बोलूंगा, आवेश देने से विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। तो बेटा विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाना है, विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ाना है, या ऐसे बोल सकते हो कि गोले का आयतन बढ़ाना है, दोनों में ही अपने को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और अपन लोग जो कार्य करेंगे वही कार्य यहां ऊर्जा के रूप में जाना जाएगा, और एकांक आयतन में अपन लोग जितनी एकांक आयतन में वृद्धि करने एकांक आयतन के लिए वृद्धि करने के लिए अपन लोग जो कार्य करेंगे वो ऊर्जा घनत्व कहलाता है। ओके बेटा, तो ये सिंपल सा अपना टॉपिक था, तो आज का इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो।